अस्सलाम वालेकुम। टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे, आज के इस वीडियो में चराई में इस्तेमाल करने के लिए एक अच्छी क्वालिटी की खल की जानकारी मिलेगी। आजकल मार्केट में बहुत तरह की खल अवेलेबल है, आप जो चाहो खेल सकते हो। मैं आपको चंद खलों के बारे में जानकारी दूंगा जो चराई और चारे में इस्तेमाल करने पर काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगी। तिल की खल, इसमें फाइबर काफ़ी क्वांटिटी में मौजूद होता है जो हाजमे के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है। तिल की खल से बनी चराई का छींटा सुबह तड़के में मार दें, इससे दो बड़े फायदे होंगे। एक तो यह कि भूखी मछलियां चराई की खुशबू पाकर घाट पर आ जाएंगी और चारा भरपूर ना मिलने पर जल्दी लगेंगी। जो मछलियां शिकार हुई ये तो हुआ आपका फ़ायदा, और दूसरा फ़ायदा ये होगा, कुछ लोग अपने चक्कर में उल्टी सीधी चराई लगा के मछलियों को बीमार कर देते हैं, या जो मछलियां कुदरती बीमार हैं जैसे कब्ज़, पेट में दर्द, बदहजमी, मुंह में छाले या आँतों में ज़ख़म, तो जिन मछलियों ने चराई खाई इंशाल्लाह आपकी वजह से वो ठीक हो जाएंगी, क्योंकि तिल की खल में एंटीऑक्सीडेंट और बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बीमारियों को रोकने और सेहतमंद रहने में मदद करती हैं। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन और एमिनो एसिड होते हैं जो हड्डियों और दिमाग की मसल्स को मजबूत करने का काम करते हैं। तिल की चराई खेलो और अपने साथ मछलियों का भी भला करो। बादाम की खल, बादाम सेहत का खजाना है, मछलियों को बादाम खिलाइए और शिकार कीजिए। बादाम की खल सर्दी के मौसम में जैसे चाहो इस्तेमाल करो, लेकिन गर्मी के मौसम में ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे पके हुए चावल, नारियल पानी, नारियल पाउडर या नारियल की खल या सरसों की खल मिला के भी शिकार कर सकते हैं, क्योंकि सरसों की खल भी ठंडी होती है। बादाम की चराई खेलो, इंशाअल्लाह मछली मारोगे, बहुत मज़ा आएगा। मूंगफली की खल, इसमें विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिससे जिस्मानी कुव्वत हासिल होती है। कमज़ोर और मरियर मछली लगे तो फटाफट बाहर आ जाए, ताकतवर मछली के साथ खेलने का तो मज़ा ही अलग है। मूंगफली की खल ना मिले तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मूंगफली निखोलो, भुने हुए दाने कूट पीस के चराई में मिला लो। मछलियों को सर्दी की मेवा खिला के अपने शिकार को आगे बढ़ाइए। रौ के शिकार में चराई का एक खास मकाम है और चराई के शिकार में खल का। जब भी शिकार खेलो एक अच्छी क्वालिटी की बढ़िया खल खेलो, इंशाल्लाह बढ़िया शिकार होगा। अलसी की खल, अलसी की खल खेलो, चराई में अच्छा काम करती है, लुआबदार होती है। रौ, नरेन, कैला, कलोच, कटला को काफ़ी पसंद है, बेधड़क खेलो, शिकार में अच्छा रिजल्ट देती है। नारियल की खल, ये बहुत इफ़ेक्टिव खल है, इसे किसी भी खल में मिला के शिकार खेल सकते हो, ये बहुत इफ़ेक्टिव है, सेलनदार मछली इसकी तरफ एकदम खिंचे चले आते हैं। प्योर नारियल की खल की चराई में पानी डालते ही ये पतली और मुलायम हो जाती है, ना तो इसके लड्डू बन पाते हैं और ना ही ये लुगदी में रुक पाती है, टपक के गिर जाती है। अगर प्योर नारियल खल की चराई खेलना चाहते हो तो मेरा बताया हुआ तरीका अपना लो, इंशाअल्लाह मछली के ढेर लगा दोगे। नारियल की चराई बनाने का तरीका, नारियल की खल ले लो, जितनी खुशबू डालनी है डालो, पके हुए चावल डाल के चराई मलो, पानी बिल्कुल नहीं डालो, थोड़े थोड़े चावल डाल के मलो, चराई टाइट रहनी चाहिए, छोटे बड़े गुल्ले बना के घाट पे मार दो, गुल्ले ग्राउंड पे गिरते गिरते चराई बिखर जाएगी, यूँ समझ लो आपके घाट पे चराई की परत बन जाएगी, ये छींटे का काम करेगी। नारियल की खल ना मिले तो नारियल पाउडर ही मिला लो, बहुत तेज़ काम करता है नारियल, एक बार खेल के तो देखो, कहोगे कि हाँ सही बात बताई है। पाउडर थोड़ा डालोगे तो कम फ़ायदा और ज़्यादा डालोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, नारियल का साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं है। खलीफा फिशिंग चैनल के ज़रिए अब तक जो खलें बताई गई हैं उनमें कोई भी खल कड़वी या बख्शी नहीं है, सारी खलें बढ़िया हैं, इन्हें चारे और चराई दोनों में इस्तेमाल करके अपने शिकार को बेहतर बनाइए। खल कोई सी भी खेलो, खल कड़वी नहीं होनी चाहिए, जैसे धुएँ की खल, धुएँ की खल बहुत कड़वी होती है, इसे शिकार में कभी शामिल मत कीजिए। राई की खल, इस खल से भी परहेज़ करें, शिकार में इस्तेमाल ना करें।
राई और धुएं की खल खेलोगे तो शिकार में अच्छे नतीजों की उम्मीद मत रखना। आखिर में आपको एक खास खल और बताता चलूं, जो हर कहीं आसानी से और दूसरी खलों के मुकाबले सस्ती मिल जाती है और काम भी बढ़िया करती है। बस एक ट्रिक अपना लो, काम बन जाएगा, बहुत मछली मारोगे। मोटी वाली पीली सरसों की खल ले लो, यह ना मिले तो लाई या लेटे की खल ले लो, कूट पीस के भून लो। मोटी तली के बर्तन में भूनो, डोई या पलटे वगैरह से हिलाते रहो। इस तरह भूनो कि जलने ना पाए। भूनने के बाद एक बार ज़रूर छान लो, जली हुई खल फेंक दो, खुशबू मिला के शिकार खेलो, ऐश करो। शिकार से फारिग होने के बाद बचा हुआ चारा और चराई फेंकने से बेहतर है किनारे में डाल दिया करें, ताकि आपकी वजह से मछलियों का ही भला हो जाए। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, कर भला तो हो भला। वीडियो को देखने और लाइक करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।